हेलो एवरी वॉन सो गैस स्टोरी टेलिंग का सीरीज़ है देखिए गैस मैंने आपको बोला है कि मैं हिंदी नहीं बोलूंगा आप चाहे तो इसका एक स्क्रीन शॉट अभी ले लीजिए वीडियो का पॉज करके खुद एक दो मिनट सोचिए कि स्टोरी क्या कहना चाह रहा है मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ लिख दी है आप समझ लेंगे गैस चलिए तो ये जो भी स्टोरी है इस स्टोरी में हम कितने वर्ड्स स्ट्रक्चर्स लगा सकते हैं उसकी लिस्ट मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ देखिए कम से कम ये ट्वेंटी मैंने सोचे हुए हैं अभी कैसे मैं सोचता होऊंगा या आप क्यों नहीं सोच सकते तो इस स्टोरी जब मैं बनाता हूँ जैसे स्टोरी मैंने बना लिया लिख लिया लिखने के बाद मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ जब मैं स्टोरी को ये लिख लेता हूँ मतलब इमेज जब बना लेता हूँ फिर मैं सोचता हूँ जब मैं इसे नारेट करता हूँ मन में फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा यार यहाँ पर ना जैसे गेट फ्रेश की जगह मैं परफॉर्म मॉर्निंग एबल्यूशन लगाता हूँ एडवांस लगा के देखते मैं रिप्लेस करता हूँ मतलब जो साधारण से वर्ड है उसको एडवांस से रिप्लेस करता चला जाता हूँ तो उसमें मेरे मैंने 20 सोचे हो सकता है आप 25 सोच लो जिसके पास जितना टाइम है जो जितना फोकस करेगा उतना ज़्यादा वो लगा सकता है तो ये आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है परफॉर्म मॉर्निंग एवल्यूशन इसका मतलब है कि सुबह का जो भी नहाना धोना ब्रश करना वॉशरूम जाना सब हो जाएगा इसमें एक फ्रेज है रेज हैकल्स इसका मतलब होता है कि आपको कोई गुस्सा दिला दे तो आप कह सकते हैं डोंट रेज माई हैकल्स तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ एक वर्ड यूज़ किया टग टग का मतलब होता है कि खींचना चाहे आप रस्सी खींचते हो कई बार बाल खींचते हो ऐसे झटके से खींचते हो उसको टग कहते हैं एक वर्ड है सकम टू सकम टू का मतलब होता है हार मानना किसी चीज़ के आगे एकदम हार जाना अगर वहाँ पर इंजरीज लिखा हो यानी कि मर जाना इंजरी के आगे हार गया मतलब इंजरी से मर गया हार्ट अटैक के आगे हार गया मतलब मर गया लेकिन किसी की ज़िद के आगे गुस्से के आगे अगर हार गया तो हार गया मरा नहीं एक वर्ड है रिलेक्टेंटली इसका मतलब होता है बिना मन के जैसे आप चाय बना रहे हो रिलकटेंटली बिना मन के चाय बना रहे हो आप मार्केट गए रिलकटेंटली यानी कि मन मार कर इच्छा नहीं है तब भी गए एक वर्ड है नैश टीथ तो नैशिंग टीथ का मतलब होता है गुस्से में मतलब कि दांत पीसना तो आप दांत पीसते हो कब जब आप गुस्से में होते हो या आपको दांत पीसने की बीमारी होगी तो नैश टीथ हमने यूज़ किया है बम्प इंटू का मतलब है कि, कि किसी से आप टकरा जाते हो जैसे कोई कार आपसे हिट कर जाए या फिजिकली भी मतलब ऐसे भी होता है कि मार्केट में आप दोस्त से मिले टकरा गए ऐसा ऐसे नहीं टकराए मिल गए वहां भी आप बम पिंटू बोल सकते और वाकई अगर कोई ऐसे टक्कर मारते वो भी बम पिंटू होता है ड्यू टू विच इसका मतलब होता है के कारण कारण जिसके कारन? एक है वेले।, वेले का है वेले का मतलब होता है कि रास्ता रोकना यानी कि कोई आपको रोक लेता है लिख दूं कि ये वर्ब है ओके घेर लेता है आपको किसी ने आपको वेले किया मतलब घेर लिया एक वर्ड है वेंडेलाइज इसका मतलब होता है तोड़फोड़ करना गाड़ियों को किसी ने वेंडेलाइज किया आपके घर को किया तोड़फोड़ किया क्लोबर का मतलब होता है बुरी तरह पीटना किसी को डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड इसका मतलब है कि भाई जब किसी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो मृत पाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं तो भैया डेड है यानी कि ब्रॉड डेड जब लाया गया तो मरा हुआ था ब्रेक डाउन के दो मतलब होते एक तो किसी गाड़ी मशीन ख़राब हो जाए तो ब्रेक डाउन है नहीं तो कोई इंसान अगर टूट जाए रोने लगे तो ब्रेकडाउन है क्राई आइज़ आउट का मतलब है कि बुरी तरह रोना ही क्राइड हिज आइ आउट ऐसे क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब है जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है उस ग्राउंड को क्रीमेशन ग्राउंड कहते हैं पायर का मतलब है चिता बेविल्डर्ड का मतलब है कोई एकदम चकित हो जाए सदमे में हो जाए डाउस का मतलब होता है बुझाना इन नो टाइम का मतलब है कि तुरंत ही आप चाहे तो ये लगा सकते तुरंत मेराकुलस का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बिल्कुल चमत्कारी हो उसको मेराकुलस कहते हैं तो ये मैंने ये ट्वेंटी जो वर्ड्स लिखे हैं ये मैं कोशिश करूंगा कहीं कहीं फिट बैठे ज़रूर नहीं कि सारा फिट बैठ जाए बट कोशिश करूंगा अब है कि एक व्यूअर ने पूछा था यू नो ना उनका नाम बोल रहा हूँ एकता ऐसे कुछ नाम है उनका तो उन्होंने बोला था कि आप शायद ऐसा ही उन्होंने कहा होगा कि स्टोरी को आप लिख लास्ट में दिखा दीजिए तो मैंने स्टोरी लिख भी ली है उनके लिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस पहले आप स्क्रीन लीजिए कहानी मैंने लिख ली और मैंने वो हाईलाइट कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह मैंने यूज किए हाईलाइट कर लिए अब प्रॉब्लम है कि अब जब मैं अभी बोलूंगा तो मैं ये रीड कैसे करूंगा मैं पढ़ूंगा फिर मैं इमेज कैसे दिखा पाऊंगा तो मैं इसको रीड तो नहीं कर सकता अब मैंने लिख लिया है लेकिन जब मैं बोलूंगा तो एग्जैक्ट में लाइन बाय लाइन वो नहीं बोल सकता आप समझ सकते हैं ना अगर आप एक चिट्ठी भी लिखेंगे ना आप कोई बोले कि जरा बोल के दिखाओ तो मुझे लगता नहीं कि आप लाइन बाय लाइन आपको याद रहेगा अगर आप रटते हैं तो फिर आप रट्टू तो होता है वो हो नहीं पाएगा तो मैंने जो लिखा है वो एग्जैक्ट तो नहीं बोल पाऊंगा बट मैं चित्र देखकर अभी जो भी बोल रहा हूँ मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे वर्ड्स स्ट्रक्चर मैच हो जाए बस कर जब शुरू करते बोल बोलवचन बहुत हो गया चलिए शुरू करें वेल दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड राम So one day he got up early in the morning. After that, he performed his morning evolutions. Uh, suddenly, his mother came to him and asked him to go to the nearby shop to buy something. But he refused to go, which raised her hackles. And she, tugging his hair, started slapping him. The boy had to succumb to uh, his mother's anger and he went to the shop reluctantly gnashing his teeth. Having bought some stuffs while he was returning home, suddenly a car bumped him, due to which he collapsed. All the passers-by gathered over there. Some of them veiled the car, took the driver out of the car, clovered him and vandalized the car as well, and forced the driver to take this boy to the nearby hospital the boy was rushed to hospital where he was declared brought dead by the doctors hearing this shocking news his parents broke down and finally his body was taken to the cremation ground pyre was set his body was put on the pyre all the people his friends his family members were around him when pyre was about to be lit, suddenly he sat up. Seeing this, his parents got bewildered. All the friends and relatives who, who were standing over there also got shocked and surprised, and they had a doubt that uh, this guy had turned into a ghost. They were not able to believe that he may be alive, they were thinking him to be a ghost.

ठीक अब जब मैंने इसको लिखा था डेकोरेट करके तो कितना फर्क होता है स्पीकिंग करने में और लिखने में वो देख लीजिए और सब सबके साथ होता है मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक मिनट दीजिए देखिए यहां लिखा हुआ है कि वन डे अ बॉय नेम्ड राम गॉटअप अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर दैट ही परफॉर्म्ड हिज मॉर्निंग एवल्यूशन ठीक है His mother asked him to go to the nearby shop to buy something, but he refused to go, which raised her mother's hackles. कुछ हद तक तो मैंने मैच किया है And she, tugging his hair, started slapping him. बाल खींचते हुए उसको थप्पड़ मारने लगी He succumbed to his mother's mother's anger. वो अपनी माँ के anger के सामने झुक गया and went to the shop, reluctantly gnashing his teeth. वो मन मार कर दांत पीसता हुआ दुकान पर गया Having bought the stuffs. वाइल ही वॉज रिटर्निंग होम जब सामान खरीदने के बाद जब वो घर वापस आ रहा था सडनली यह कार बम्प्ड इन टू हिम कार उससे टकराई ड्यू टू विच ही कोलैप्स जिसके कारण वो गिर गया एंड द पासर्स बाई गैदर्ड ओवर देयर वहाँ पर जो गुजरने वाले लोग थे वो इकट्ठे हो गए द कार वाज वेलेड देखो इसको पैसे uh, में मैंने यूज़ किया द कार वाज वेलेट कार को रोक लिया गया एंड वेंडेलाइज्ड उसका उसको तोड़ किया गया द ड्राइवर वॉज़ क्लोबर ड्राइवर को पीटा गया एंड फोर्स्ड टू टेक राम टू हॉस्पिटल और उसको फोर्स किया गया कि वो जो लड़का है, राम है उसको हॉस्पिटल ले जाओ वेन ही वॉज रश टू हॉस्पिटल जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया ही वॉज डिक्लेयर ब्रॉड डेड उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया बाई द डॉक्टर्स हियरिंग दिस न्यूज़ हिज पेरेंट्स ब्रोक डाउन उसके माँ बाप एकदम टूट गए एंड हिज मदर क्राइड हर आइज आउट उसकी माँ बुरी तरह रोई ब्लेमिंग हर सेल्फ टू बी द कॉज ऑफ हिज डेथ देखो ये मैंने नहीं बोला था कि खुद को ब्लेम करते हुए कि उसके मरने का उसके डेथ का कारण यही है राम वॉज टेकन टू तो द क्रीमेशन ग्राउंड राम को जो शमशान घाट है वहाँ पर ले जाया गया पायर वॉज सेट फॉर हिम उसके लिए चिता को सजाया गया सेट किया गया ही वॉज़ पुट ऑन द पायर उसे चिता पर रखा गया एंड वेन द पायर वॉज लिट जब चिता में आग लगाई गई ही सडनली ओपन हिज आइज उसने अचानक अपनी आंखें खोली एंड सेटअप और बैठ गया सींग दिस हिज पेरेंट्स गॉड बी इसको देखकर उसके माता पिता एकदम चकित हो गए ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हू हैड कम टू ज्वाइन द फ्यूनरल ऑल जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव थे जो आए थे फ्यूनरल को ज्वाइन करने गॉड फ्राइटेंड वो डर गए थिंकिंग हिम टू बी अ गोस्ट उसको एक भूत समझते हुए फायर वॉज डाउस्ट आपको बुझाया गया ये मैंने नहीं बोला था इन नो टाइम यानी कि तुरंत ही आपको बुझा दिया गया एंड द बॉय वॉज टेकन ऑफ द फायर और लड़के को चिता से उतार लिया गया ही वॉज टेकन बैक टू हॉस्पिटल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया एवरी थिंग वॉज नैरेटेड टू द डॉक्टर्स डॉक्टर को सब कुछ बताया गया समन इन्फॉर्म द मीडिया किसी ने मीडिया को भी इन्फॉर्म किया नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया एंड द बॉय शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ और बॉय ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे मरने के बाद लाइफ होती है ही स्टार्टेड डूइंग सम मेराकुलस एक्टिविटीज़ वो कुछ चमत्कारी काम करने लगा जैसे रीडिंग वंस माइंड किसी का दिमाग पढ़ना मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट एनीथिंग किसी के बारे में प्रिडिक्शन करना फिर देन के आगे आपको बनाना है अब आपके सामने सबूत है गाइस कि लिख कर के आप सेम तो नहीं बोल पाएंगे ये तो मैं गारंटी आपको देता हूं कई लोग सोचते हैं कि मैं कहानी को पहले लिख लेता हूं या लिख लेती हूं और फिर मैं उसको पढ़ देती हूं पढ़ देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं यानी कि ये या आपकी लिखने की कला है यह आपकी राइटिंग एक स्किल है कि आप बहुत अच्छा डेकोरेट करके लिखते हैं क्यों क्योंकि आपको टाइम मिलता है लिखने के लिए लेकिन स्पोकन एक अलग चीज़ है स्पोकन के अंदर आप कैसे करेंगे या तो आप अभी चित्र आपके सामने है तो आप जब बोलेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से बोलेंगे वो लिखने से उतना मैच नहीं करेगा दैट्स अ फैक्ट माने ना माने तो आप चाहे तो दिन के बाद बनाकर लिख सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी बॉडी स्क्रीन शॉट अगर आपको लेना है तो इसका तो आपने ले ही लिया होगा अब आप स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए शायद इसका नहीं लिया होगा या दोनों का ऐसे ले लीजिए ठीक है चलिए गैस तो थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अगले एपिसोड में थैंक यू गैस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा थैंक यू